हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड Part-07 वीडियो डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी के पेपर की तैयारी के लिए ये एक सीरीज हमने मुरतब की है। इस सीरीज में तमाम क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं और इंतहाई अहम क्वेश्चन को इस सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस सीरीज की 6 वीडियोस 6 पार्ट्स पहले अपलोड किए जा चुके हैं। उन 6 पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे तमाम वीडियोस ईएमटी की तैयारी के लिए मौजूद हैं। व्यूवर्स, पहले 6 पार्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में हमने डिस्कस किए हैं, उनमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया है, लेकिन लास्ट टाइम जो पेपर मुनक्किद हुआ था उसमें कुछ सवालात उर्दू में थे। अब मजीद हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो उर्दू में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151। इससे पहले के 150 क्वेश्चंस पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियोस में मौजूद हैं। इंसानी सेल के डैश बड़े हिस्से होते हैं। इंसानी सेल के दो बड़े हिस्से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। डैश आम तौर पर सेल के मरकज में होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आम तौर पर सेल के मरकज में होता है। क्वेश्चन नंबर 153। डैश जिस्म को बैरूनी गिलाफ मुहैया करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो था वो था स्किन, जिल्द। जिल्द जो है जिस्म को बैरूनी गिलाफ मुहैया करती है। इसके बाद अगर फर्दर आप डिटेल में जाएंगे तो जिल्द स्किन की आगे टाइप्स हैं, लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस वगैरह, ये 3 टाइप्स हैं इसकी, इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत से पेपर्स में स्किन की टाइप्स पूछी गई हैं और Part-05 वीडियो जो है उसमें स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 154। मंदरजा झेल में से कौन सी हड्डी है जो हल्की होने के बावजूद काफी मजबूत है। फ्लैट बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जो वजन में हल्की होती हैं लेकिन दूसरी हड्डियों की निस्बत काफी मजबूत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 155। जिस्म के नाजुक आजा की हिफाजत के लिए डैश हड्डियां इस्तेमाल होती हैं। शॉर्ट बोन्स जो है ये जिस्म के नाजुक अज़ा के लिए इस्तेमाल होने वाली हड्डियां हैं। चेहरे में जो हड्डियां हैं इन्हें भी शॉर्ट बोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156। हड्डियां हमारे जिस्म के लिए डैश का काम करती हैं। हड्डियां हमारे जिस्म में रॉड्स के तौर पे भी काम करती हैं, लीवर के तौर पे भी काम करती हैं और हमारे जिस्म को सपोर्ट देने के लिए भी काम करती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तमाम ऑप्शन डी है, ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 157। चेहरे की हड्डियों की तादाद डैश है। इंसानी चेहरे में टोटल हड्डियां जो होती हैं वो 14 हैं और ये 14 तकरीबन तमाम हड्डियां ही जो है ये शॉर्ट बोन्स हैं। ये चेहरे की हिफाजत भी करती हैं, साइज में छोटी होती हैं लेकिन फेस को प्रोटेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 158। कान की अंदरूनी हड्डियों की तादाद क्या है। कान की अंदरूनी हड्डियों की तादाद 3 है। व्यूअर्स, अगर आप ओवरऑल देखें तो कान की जो हड्डियां हैं उनकी कुल हड्डियों की तादाद 6 है। सबसे छोटी जो इंसानी जिस्म में हड्डी है वो कान की हड्डी ही कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 159। जिस्म की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है। इंसानी जिस्म में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है। फीमर टांग की हड्डी होती है, ये इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा लंबी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 160। वो मुकाम जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं उसे डैश कहते हैं। वो मुकाम जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिले उस मरकज को, उस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। बहुत से कैंडिडेट इस क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं।
वो यहाँ पे ज्वाइंट को सिलेक्ट करते हैं, जबकि ज्वाइंट जो होता है वो दो हड्डियों को आपस में मिलाता है। जो जंक्शन होता है वो दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। जहां पे जिस्म में कोई भी ऐसा मुकाम जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिल रही हैं, उसे हम जंक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 161, एक खास किस्म की उजलाती बाफ्तों से मिलकर बना होता है। दिल जो है ये खास किस्म की उजलाती बाफ्तों के मिलने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 162, खून एक खास किस्म का डैश है, खून एक खास किस्म का कोलेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि खून में आरबीसीज, रेड डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं, खून को कोलेक्टिव टिश्यू कहा गया है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, प्लाज्मा खून का डैश फीसद हिस्सा बनाता है। प्लाज्मा खून का तकरीबन 55% हिस्सा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 164, एर्थ्रोसाइट्स या खून के सुर्ख जर्रात, खून के जो सुर्ख जर्रात हैं रेड ब्लड सेल्स, उन्हें एर्थ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एर्थ्रोसाइट्स या खून के सुर्ख जर्रात एक मकब मिलीमीटर खून में तकरीबन 1.5 लाख की तादाद में पाए जाते हैं, 50 लाख की तादाद में। दोबारा क्वेश्चन को सुनिएगा, एर्थ्रोसाइट्स या खून के सुर्ख जर्रात एक मकब मिलीमीटर खून में तकरीबन 50 लाख की तादाद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले आयरन का डैश फीसद खून के सुर्ख जर्रात में होता है। इंसानी जिस्म में जितना भी आयरन मौजूद है उस आयरन का 70% हिस्सा इंसानी खून में होता है। इंसानी खून में सुर्ख जर्रात होते हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। उन रेड ब्लड सेल्स में इंसानी जिस्म के टोटल आयरन का 70% मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 166, खून के सुर्ख जर्रात की उम्र तकरीबन, खून के सुर्ख जर्रात की उम्र तकरीबन 120 दिन होती है। व्यूअर्स, जो सुर्ख खुलिए होते हैं खून के, उनकी उम्र तकरीबन रिसर्च के मुताबिक 115 दिन से 120 दिन तक कही जाती है। इस क्वेश्चन में क्योंकि चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो करीब तरीन है वो 120 है, इसलिए हमने 120 को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 167, एक मकब मिलीमीटर खून में तकरीबन डैश से डैश तक सफेद खुलिए होते हैं, 4000 से 9000 तक। एक मकब मिलीमीटर खून में 4000 से 9000 तक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, खून देने वाले को डैश कहते हैं, खून देने वाले को डोनर कहा जाता है, जो शख्स खून रिसीव कर रहा हो उसको रिसेप्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, तमाम इंसानों को बलिहाज खून 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। व्यूअर्स, आप इसे काउंट कर सकते हैं कि ए ओ बी ए बी, ये चार ग्रुप्स हैं, आगे इनकी मजीद पॉजिटिव नेगेटिव टाइप्स हैं, इस तरह ये 8 हिस्से बनते हैं, 8 टाइप्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 170, डैश ग्रुप के हामिल अफराद के सुर्ख खुलियों में एंटीजन नहीं होता। तीनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं, इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171, खून के खुलियों में मौजूद प्रोटीन को RH फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, RH एक डैश है, RH एक एजेंट भी है, ऑक्सीडेंट भी है और रिएक्टेंट भी है। तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 173, तिली डैश नामी जर्रात भी बनाती है। तिली लाइमोसाइट्स
नामी जरात भी क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 174, छोटी आंत के लाभदार झिल्ली में खास किस्म की लंफाई नालियों को डैश कहते हैं, लैक्टियल्स। क्वेश्चन नंबर 175, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से एहसासात को दिमाग तक पहुंचाने का मुताला न्यूरोलॉजी कहलाता है। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 की तैयारी के लिए Part-08 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।